ओम हरि ओम ओम सर्व मंगल मांगलिये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपको ब्रह्म ज्ञान के रूप में कुछ एक नई कहानी बताने जा रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजर जेकेरा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, इधर देख रहे हैं कि मैं आपको धार्मिक और जो अच्छी प्रसंग आते हैं हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, रामायणों में, साथ इनका प्रसंग आया उनके विषय में आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। साथियों, इस आज के जो कथा के रूप में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शिव की आराधना करने से, साथियों, शिव भगवान रोगों को दूर करने की उनके अंदर शक्ति है और अमृत प्रदान करने का उनको अधिकार प्राप्त है। तो साथियों, आज मैं उनके द्वारा ऋषि ने किस प्रकार अपने को वज्र रूप में बना लिया, अबद्ध कर लिया और यहाँ तक कि विष्णु भगवान भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके, ऐसे ऋषि कथा मैं आज को बताने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आई घंटी को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके और आप हमारी जानकारी का लाभ उठा सकें। और ज्योतिष शास्त्र के विषय में, वास्तु के विषय में जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको मैंने आप अपने फ़ोन नंबर पर, मोबाइल पर दे रखा है। यदि आप हमसे कोई जानकारी करना चाहते हो वास्तु के विषय में, ज्योतिष के विषय में, तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको समय निकाल करके उसका उत्तर दिया जाएगा। तो साथियों, जैसा मैंने आपसे चर्चा की, आज आपको मैं एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। उसमें ये रहस्य होगा कि मृत्युंजय भगवान की उपासना करने से कैसे हम अपने को बलवान और स्वस्थ, निरोगी और अबद्ध कर सकते हैं। तो साथियों, प्राचीन काल में एक ऋषि हुए हैं दधीची, संभवतः शायद आपने नाम का सुना होगा। यह कथा शिव पुराण के अंतर्गत अंकित है। तो साथियों, पुराने समय में जब हमारे विद्यालय नहीं हुआ करते थे तो उसमें ब्राह्मणों के लड़के, क्षत्रियों के लड़के इत्यादि जो है वो गुरुकुल में पढ़ने जाया करते थे। एक गुरु होते थे, ऋषि होते थे और सबको, बच्चों को पढ़ाते थे। तो उसी परंपरा के अंतर्गत राजकुमार छुव जो राजा थे, राजकुमार राजा के लड़के थे, और ऋषि के पुत्र दधीची, दोनों एक गुरुकुल में पढ़ते थे, एक आश्रम में पढ़ते थे। और इस दौरान उन दोनों में आपस में काफ़ी मित्रता हो गई थी। तो साथियों, जब उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई, गुरु के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हो गया कि आप अपने घर जा सकते हैं, तो उस समय राजा छुअन जो राजकुमार थे, उसमें उन्होंने कहा कि दधीची, मैं राजा बन जाऊंगा तब तुम्हें किसी बात की आवश्यकता होगी, कोई कार्य होगा, कोई मांगना हमसे चाहिए, इच्छा होगी तो हमसे बताना, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तो दधीची ने कह दिया कि ऋषियों को क्या आवश्यकता होगी, ऋषियों को तो वह भगवान ने ताकत दे रखी है कि वो राजाओं को भी देने की शक्ति रखते हैं, राजा भी उनसे याचना करते हैं, मैं तुमसे क्या मांगूं। लेकिन इस बात पर राजकुमार कुछ खिन्न हुआ, कुछ दुखी हुआ कि दधीची ने इस तरह से बात हमसे कही। समय पा करके राजा छुव जो राजकुमार छुव थे, वो राजा के पद पर अभिषिक्त हुए, राजगद्दी उनको प्राप्त हुई। तो उन्होंने अपने सैनिकों से, अपने दूतों से ब्राह्मण ऋषि कुमार दधीची के पास भेजा, संदेश भेजा कि राजा छुव ने आपको आमंत्रित किया है, आपको याद किया है। तो दधीची आए और उन्होंने राजकुमार छुव जो राजा थे उनको उन्होंने आशीर्वाद दिया, और उसके बदले में आशीर्वाद देने पर जो है राजा छुव उनको कुछ देना चाहते थे, इस पर उन्होंने लेने से मना कर दिया, कि मुझे तुम्हारे धन की क्या आवश्यकता है। इस पर दोनों में कुछ विवाद हो गया, क्योंकि साथियों विवाद तभी होता है जब आपस में कुछ घनिष्ठ संबंध होते हैं लोगों के। तो दोनों आपस में पहले घनिष्ठ संबंध थे, अब दोनों अपने ईगो पे आ गए, अपने अहंकार में आ गए, इसलिए विवाद बढ़ गया। और विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि दधीची ने क्रोध में आकर के जो है एक मुक्का एक उनके राजा छुव के सर पर दे मारा, जिसे क्रोधित होकर के राजा छुव ने वज्र से ऋषि पर प्रहार कर दिया और ऋषि हताहत होकर के नीचे गिर गए, काफ़ी चोट आई। जैसे तैसे लोगों की सहायता से अपने आश्रम में पहुँचे, उनकी हड्डियाँ टूट चुकी थी छाती की,
उन्होंने जो शुक्रों के जो हमारे असुरों के जो ब्राह्मण थे जो गुरु थे शुक्राचार्य उनको याद किया। तो साथियों शुक्राचार्य जी को मृत संजीवनी विद्या की सिद्धि प्राप्त थी। आप सुने होंगे कि देवासुर संग्राम में राक्षसों से देवताओं के युद्ध में जो राक्षस भूमि पर गिर जाते थे मर जाते थे शुक्राचार्य मृत्युंजय विद्या से उनको जीवित कर देते थे। तो साथियों वही शुक्राचार्य को उन्होंने ध्यान किया उनको आह्वान किया उनको स्मरण किया उनके उपस्थित होने पर उनसे अपने स्वास्थ्य की प्रार्थना किया। तो साथियों शुक्राचार्य जी उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको अपने जो उनके पास शक्ति थी आत्मबल था ज्ञान बल था और जो ईश्वरीय बल था उसके आधार पर उन्होंने उनको ऋषि दधीचि को स्वस्थ किया और उन्हें मृत्युंजय मंत्र की उपदेश दिया कि आप मृत्युंजय मंत्र की साधना करो उनका आह्वान करो उनकी साधना करो। तो दधीचि ने चूँकि उनको अब साथियों एक टारगेट आदमी बना लेता है कि हमें यह काम करना एक गोल बना लिया एक एम बना लिया कि मुझे राजा को परास्त करना है इसलिए किसी तरह से मुझे आत्मबल और इत्यादि सब और शरीर बल से इत्यादि प्राप्त करना है। तो इसकी पूर्ति करने के लिए दधीचि वन में जा करके और तपस्या करने लगे और वहाँ पर उन्होंने शिव की घोर तपस्या किए मृत्युंजय भगवान घोर तपस्या किया और उनके प्रकट होने पर उन्होंने शिव भगवान शिव ने दधीचि से वर मांगने के लिए कहा। तो दधीचि ने कहा कि मेरे शरीर को आप वज्र के समान मजबूत बना दीजिए जो मैं किसी के द्वारा बद्ध न किया जाऊं और मैं दीनहीन भी न रहूं। भगवान शिव उनकी शक्ति उनकी उपासना पर प्रसन्न थे उन्होंने उनको वर दे दिया। अब साथियों वो वर पा करके बल के बल से अभिभूत होकर के दधीचि पुनः शो के दरबार में गए और उन्होंने अपने पैर से राजा छू के सिर पर प्रहार कर दिया। तो क्रुद्ध होकर राजा ने भी उनके बक्ष पर अपने उसी वज्र से प्रहार कर दिया जिससे वो पिछली बार चोट खा गए थे उनकी हड्डियां टूट गई थी। लेकिन उनके वज्र के प्रहार से दधीचि का कुछ नहीं हुआ वो तत्समस नहीं हुए। इससे बहुत ही घोर आश्चर्य हुआ राजा छू को कि यह ऋषि तो हमसे बहुत बलशाली हो गया। तो वो जा करके अब उसके पैरेलल उसके समानांतर शक्ति प्राप्त करने के लिए वो भी जो है वन में चले गए और उन्होंने तपस्या किया विष्णु भगवान को याद किया। विष्णु भगवान प्रकट हुए तो विष्णु भगवान ने उनसे वर मांगने को कहा। तो विष्णु भगवान से उन्होंने वर के रूप में कहा कि प्रभु मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं दधीचि का वध कर सकूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि छु राजा दधीचि वो जो है दधीचि जो ऋषि हैं वो अबद्ध हो चुके हैं उनको महामृत्युंजय भगवान ने अबद्ध और अधीन बना दिया है उनका शरीर वज्र का हो गया है तुम्हें मैं ऐसा वर नहीं दे सकता हूँ जिससे तुम उनके वध कर सको। तो अब छुओ के पास दूसरा कोई तरीका हुआ नहीं कि दधीचि से अपने अपमान का बदला ले सकें। लेकिन चूंकि उन्होंने राजा छू ने विष्णु भगवान की इतनी तपस्या किया था कि अब विष्णु भगवान को उनकी मनोकामना पूर्ति करने के लिए कहे कि मैं ठीक मैं कोई उपाय करता हूं जिससे तुम्हारे अपमान का बदला पूरा हो तो उनको परास्त करने के लिए मैं कोई अन्य उक्ति सोचता हूं दधीचि को परास्त करने के लिए। तो साथियों भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण रूप बनाया भिखारी का जो भिक्षा याचना करते हैं ऐसा रूप बना करके दधीचि के मुनि दधीचि के आश्रम में गए और उनसे प्रार्थना किया कि मुझे आपसे कुछ चाहिए मुझे आपसे एक वरदान चाहिए जो है। तो उनके आने पर दधीचि ने अपने योग बल से तप बल से यह जान लिया कि मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है वह साक्षात विष्णु है। कहा कि ठीक है आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार कह दो कि मैं डरता हूँ मैं डरता हूँ। तो दधीचि ने कहा कि मैं भगवान शिव के प्रताप से उनके वरदान पा करके मैं अजय हो चुका हूँ मुझे किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है मैं किसी से नहीं डरता हूँ मुझे सिर्फ भगवान शिव की सेवा स्वीकार है। इस पर भगवान विष्णु उनसे क्रुद्ध हो गए और उन्होंने चक्र सुदर्शन से दधीचि पर प्रहार कर दिया। लेकिन यह क्या विस्मय हो गया साथियों चमत्कार हो गया
कि उस चक्र ने भी दधीची का कुछ अहित नहीं किया और वापस हो गया। अब साथियों, उन चक्र के निष्फल हो जाने पर भगवान विष्णु ने अन्य जो देवता हैं उनको आदेश दिया कि आप लोग अपने अपने उस अस्त्रों से ऋषि पर प्रहार करो और उनको मारने का उद्योग करो जाने। अब साथियों, विष्णु भगवान की आज्ञा पाकर के देवताओं ने अपने उनके जो अस्त्र शस्त्र थे उससे ऋषि दधीची पर प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके प्रतिकार रूप में दधीची ने उनके पास जो पूजा के समय जो कुशाएँ थीं कुशाओं को जो है मंत्र पढ़ करके अभिमंत्रित करके उन्होंने उठा कर फेंक दिया राजाओं पर, अरे देवताओं पर। तो साथियों, वह जो कुशा के रूप में जो उन्होंने अभिमंत्रित करके फेंका था वो सारी कुशाएँ मंत्र के प्रभाव से त्रिशूल बन गई और त्रिशूल ने देवताओं को दौड़ा लिया। साथियों, सारे देवता भाग खड़े हुए और विष्णु भगवान भी वहाँ से चले गए। अब साथियों, कुछ समय तुरंत वापस आकर के विष्णु ने दधीची को अपना विराट स्वरूप दिखाया कि मैं सारा संसार मुझ में समाहित है, मैं ही सब कुछ हूँ। विराट स्वरूप के रूप में दधीची अब चुकी साथियों उन्होंने भगवान शिव से विशेष वरदान प्राप्त करके अपने को अबद्ध बना लिया था। उन्होंने कहा, विष्णु जी से कहा कि आप अपनी छोड़िए, आप विराट स्वरूप अपना छोड़िए, मेरा विराट स्वरूप दिखिए। तो साथियों, उन्होंने विष्णु भगवान शिव के प्रभाव से अपने शरीर में भी विराट स्वरूप दिखाया, भयंकर रूप दिखाया। साथियों, भगवान विष्णु दधीची द्वारा प्रदर्शित दिखाए गए उस विराट स्वरूप देख कर हतप्रभ हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। साथियों, ये सारा मंजर जब शिव ने अपनी आँखों से देखा तो उन्हें महर्षि दधीची के प्रभाव, उनके तप, उनके महानता का ज्ञान हो गया और समझ गए कि दधीची अवध हैं और अजय हैं और परम प्रतापी हैं। तो साथियों, उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया कि प्रभु आप शांत हो जाइए और मैंने भगवान मृत्युंजय का प्रभाव जान लिया है, अब मुझे दधीची से किसी प्रकार का कोई बैर नहीं है। साथियों, इतना कह करके विष्णु भगवान को उन्होंने मना करके और दधीची को प्रणाम किया और ये भी कहा कि महर्षि, मेरे द्वारा आपका जो भी अपमान किया गया है, जो भी अवमानना की गई है, उसके लिए मुझे क्षमा करें और मैं पुनः बार बार आपको प्रणाम करता हूँ। तो साथियों, आपने देखा कि भगवान शिव के प्रभाव से, महामृत्युंजय के प्रभाव से दधीची ने अपने को इतना ज़्यादा बलशाली, इतना अवध बना लिया कि कोई भी उनका कुछ संहार नहीं कर सकता था, कोई उनका हित नहीं कर सकता था और यहाँ तक भगवान विष्णु भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो साथियों, संकट की स्थिति में, घनघोर बीमारी की स्थिति में जब प्राणों बन आए, ऐसी स्थिति में भगवान शिव जन है एक समर्थवान देवता हैं जो कि आपके सारे संकटों से छुटकारा दिला सकते हैं। साथियों, जैसे महामृत्युंजय तो उनके अंदर अमृतत्व की भी प्रदान करनी शक्ति है, मतलब आपको वह परम शक्तिशाली और दीर्घजीवी निरोगी काया दे सकते हैं। तो साथियों, मेरा इस कहानी का बताने का उद्देश्य था कि यदि आपके सामने कोई समस्या है, साथियों सिर्फ महामृत्युंजय इतने काम के लिए नहीं होता, किसी घर में आप कोई लड़ाई झगड़ा चल रही है, आप शत्रुओं से संकट में हों, अथवा आपस में परिवार में वैमनस्यता हो गई हो, बंटवारे तक की नौबत आ गई हो, मतलब इत्यादि जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के निपटारा करने के लिए भी आप महामृत्युंजय की शरण में जा सकते हैं, भगवान शिव की शरण में जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ करना क्या होगा कि जिस निमित्त आपके लिए जप होगा, उस निमित्त उस चीज़ का संकल्प करना होगा। जैसे परिवार में एकता के लिए, भाईचारा बना रहे घर में, इसके लिए यदि आप महामृत्युंजय जप करते हैं तो संकल्प में उसका प्रयोग किया जाएगा कि अमुक कार्य सिद्धार्थे, अमुक फल प्राप्तार्थम अहम श्री महामृत्युंजय जपम करिष्ये। सिर्फ इतना उसमें कहना होगा कि जिस काम के लिए आपको मृत्युंजय जप आपने के संकल्प लिया है, उस काम का संकल्प करना होगा और योग ब्राह्मणों द्वारा आपको इस कार्य में सफलता मिल जाएगी। तो साथियों, आशा है कि हमारी बातें अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। साथियों, मैंने धन्यवाद तो आपको दे दिया वीडियो देखने के लिए, लेकिन
आपसे एक गुजारिश कहना रह गई कि यदि आप अपने हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके और उसका लाभ उठा सकें। तो साथियों पुनः धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।